छे, ये गैस कब और कैसे खत्म होती है पता ही नहीं चलता। हे भगवान, क्या इसका कोई हल नहीं? क्यों ऐसे बड़बड़ा रही हो? भगवान को बुलाओगी तो क्या वो सिलेंडर लाकर देंगे? ऐसे मुझे क्यों घूर रही हो? इस तरह गैस खत्म होना और हादसों के लिए भगवान को नहीं बुलाना चाहिए, हमें ही सावधानी बरतनी चाहिए। आज का पेपर पढ़ाना। इतने कामों के बीच इन सबको चेक करके याद रख पाना मुमकिन नहीं है। हाँ, मुमकिन नहीं है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इन्हें याद रखना नामुमकिन है, लेकिन हमारी इस समस्या का एक समाधान है। इसका नाम है गैस सेफ्टी डिवाइस, हमारे जीवन का सुरक्षा कवच। आग से होने वाले हादसों को रोककर हमारी रक्षा करता है। इस गैस सेफ्टी डिवाइस को अपने नॉर्मल रेगुलेटर की तरह ही फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद रेगुलेटर को इसके ऊपर फिक्स करना होगा। अब मीटर जीरो पर है, इसके बाद दोनों नॉब्स को ऑन करें। ऑन करने के बाद इस मीटर को दो बार प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली गैस स्टोव तक पहुंचेगा। प्रेस करने के बाद मीटर को हम देखेंगे तो इस वक्त सिलेंडर में कितनी मात्रा में गैस है ये हम जान पाएंगे। नॉर्मली सिलेंडर से 640 पाउंड प्रेशर की मात्रा में गैस बाहर आता है, उसे हमें नॉर्मल रेगुलेटर के द्वारा 320 पाउंड की मात्रा में स्टोव तक गैस पहुंचाता है। लेकिन अपने गैस सेफ्टी डिवाइस को फिक्स करने के बाद ध्यान देंगे तो आपको 160 पाउंड कम करके गैस को बाहर पहुंचाता है। ध्यान दीजिए, इसके द्वारा आपको 30 दिनों तक आने वाली गैस अब 40 दिनों तक तो जरूर ही आएगी। हम नॉर्मली स्टोव को जलाकर उस पर दूध या दूसरी चीज रख कर बाहर चले जाते हैं तो हो सकता है दूध उबल कर स्टोव ऑफ हो जाए। इस तरह ऑफ होने के बाद अगर हम नॉर्मल रेगुलेटर यूज कर रहे हों तो उससे गैस पूरा बाहर निकलेगा, और वो बाहर निकल कर अगर आप ध्यान दें तो हवा से भारी होने के कारण फर्श पर पूरी तरह से फैल जाएगा। आप घर के अंदर आकर स्विच ऑन करें या दोबारा माचिस की तीली जलाएंगे तो आग से होने वाले खतरों के चांसेस और अधिक हो जाते हैं। लेकिन हमारे गैस सेफ्टी डिवाइस के इस्तेमाल से आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरह के आग के हादसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब आप देखिए, मैंने माचिस की तीली जला दी और चारों ओर इसे मैं ले जा रही हूँ, लेकिन कोई भी आग का हादसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन बर्नर के पास जब ले जाऊंगी तभी बर्नर जलता है। आपने देखा ना, यही है हमारे गैस सेफ्टी डिवाइस की स्पेशलिटी। इस प्रकार बर्नर पर बर्तन को रखने के बाद हमें बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है या दूसरे काम करने होते हैं। ऐसे समय में अगर आपके स्टोव की ट्यूब में छेद हो जाए या फिर वो कट हो जाए तो ऑटोमेटिकली थोड़ी ही देर में गैस पूरा फैल कर बहुत बड़े आग के हादसे होने के चांसेस और अधिक हो जाएंगे। लेकिन अपने गैस सेफ्टी डिवाइस के होते आप गौर करेंगे तो हादसे की कोई बात ही नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए। आपने देखा ना, बस इतना ही। तो ऑटोमेटिकली 5-10 मिनट्स में हमारा ये डिवाइस पूरी तरह कट ऑफ कर देता है। आप देख रहे हैं कि हमारा बर्नर जल रहा है और घर के बच्चे खेल खेल में अगर इस ट्यूब को खींच दे या फिर अचानक इस प्रकार भूल चूक से ये कट भी हो गया तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारा ये स्टोव अपने आप ऑफ हो जाता है। देखा ना, अभी आपके सामने ही आपका स्टोव ऑफ हो गया है। उसी प्रकार अगर आप मीटर की सुई पर गौर करेंगे तो आप देख पाएंगे जीरो, एंड पॉइंट आ गया। अब इस वक्त अगर आप देखेंगे, नॉर्मली जब ये ट्यूब कट हो गया हो तो अचानक ट्यूब के कट होने के तुरंत बाद गैस लीक हो जाती है। ऐसे वक्त में अगर हम स्टोव ऑन करेंगे तो बहुत बड़ा आग का हादसा होगा, ये आपने सोचा होगा। लेकिन आप खुद ही देख लीजिए, आप ही की आंखों के सामने, यहाँ आग को दिखाती हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। कारण है, आप खुद जानते हैं, गैस सेफ्टी डिवाइस। कारण के बिना अगर गैस लीक हो जाए तो ये डिवाइस कितनी जल्दी कट ऑफ करता है ये बात मैं खुद आपको दिखाने वाली हूँ।
आपने देखा ना कितना अद्भुत है, इतने कम समय में इसने कट ऑफ कर दिया। इसके बावजूद भी अगर कोई हादसा हो जाए तो आपके लिए है 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस, पूरे 3 साल की गारंटी और 30 साल का लाइफ टाइम। इससे बेहतर रक्षा कवच और